यस बेटा, सो वी विल कंटिन्यू एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 9 वी हैव डन. नाउ टुडे वी हैव टू डू क्वेश्चन नंबर 10. लेट्स स्टार्ट. ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम. एपी एंड सीक्यू आर परपेंडिकुलर. आपने अभी तक बुक से नोटबुक नहीं आपने निकाली नहीं है, ये ट्राइंगल है, ये इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, व्हाट कैन बी द थर्ड रीजन? DA इज इक्वल टू BC. कौन सा ट्राइंगल के को? ये ट्राइंगल है. Yes. Alternate interior angles. Otherwise, nothing. No other reason is applied. This angle 3 is equal to this angle 4. Alternate angles. So for therefore, angle side. से ट्राइंगल्स क्या है? साइड नहीं बेटे, एंगल एंगल के साथ लगता हुआ एंगल और फिर ये साइड. बाय एंगल एंगल साइड द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. समझ आ गई बात? इसमें और कुछ नहीं रख सकता. ये ट्राइंगल है, ये साइड तो कोई कॉमन भी नहीं है. ये हमने प्रूफ करना है. ये हमने ले ली, ये राइट एंगल ले लिया. इस एंगल की बात नहीं कर रहे. इस ट्राइंगल में ये पैरेलल लाइंस है और ये ट्रांसवर्सल. तो एंगल 3 कैन बी इक्वल टू एंगल 4 बिकॉज इट इज अ parallelogram. Is it clear? So the, for therefore the triangles are congruent. If the triangles are congruent, then AP is equal to CQ by CP CT. Quickly write down given. ABCD is a parallelogram. क्या हुआ बेटा? ABCD is a parallelogram. जल्दी लिखो. I'm not going to write. ABCD is a parallelogram. आगे AP is perpendicular to BD and CQ is also perpendicular to BD. To prove first part, second part written in the book. Proof in triangle APB and CQD.
ए बी इज इक्वल टू सी डी opposite sides of parallelogram are equal, angle 1 is equal to angle 2 each 90 degree, angle 3 is equal to angle 4 alternate angles, therefore triangle APB is congruent to triangle CQD by angle angle side rule. This implies AP is equal to CQ by CP CD. Figure banao pehle. I am going to rub the figure. I have to make the next one. Pehle figure bana lo Reza. Mark the angles. I'm going to rub the figure. Parallelogram hai. परपेंडिकुलर बनाओ स्केल से. नहीं आते बनाने? आते ना, वो उल्टा बना दिया. कहाँ उल्टा? अच्छा नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ फिगर इज गिवन टू यू. स्टार्ट मेकिंग द फिगर एवरीवन. बोर्ड पे देखिए बेटा. इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल DEF, ए बी इज इक्वल टू DE एंड ए बी इज पैरेलल टू DE. दिस ए बी इज इक्वल टू DE, ए बी इज ऑल्सो पैरेलल टू DE. देन दिस BC इज इक्वल टू EF. ये BC और EF इक्वल है और BC और EF क्या है? पैरेलल.
What is this A, B, C are joined to what is this D, E, F? A is joined to D, B is joined to E, and C is joined to F. We have to first of all prove that A, B, E, D is a parallelogram. Now see everyone. A, B, first part kya hai? A, B, E, D. A, B, E, D. अब ए बी डी ई के इक्वल है, ए बी डी ई के पैरेलल है. इफ वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज पैरेलल एंड इक्वल, देन वी कैन से इट इज अ पैरेललोग्राम. वेरी इजी. सेकंड पार्ट है बी ई एफ सी. बी ई एफ सी ये भी बहुत इजी है. बी सी इज इक्वल टू ई एफ, बी सी इज पैरेलल टू एफ, देयरफॉर दिस बी सी ई एफ इज ऑल्सो अ पैरेलल. ये हमें लिखना पड़ेगा. थर्ड पार्ट क्या है? AD is parallel to CF and AD is equal to CF. AD and CF. इधर देखो बेटा. First two parts are very easy. साहिल इधर देखो. अगर ये parallelogram, अब हमने prove करना है ये और ये. AD CF. AD CF. ये इसके इक्वल है. अच्छा ये पैरेललोग्राम है, ये वाला पैरेललोग्राम है, तो हम लिख सकते हैं AD is equal to BE. एक मिनट युग चुप करो, तुम अपनी बात अभी बंद करो मेरे साथ. ये हमने अभी फर्स्ट पार्ट में प्रूव किया था, ये पूरा पैरेललोग्राम है. इसकी बात उन्होंने गिवन की थी. ये हम कह सकते हैं कि अगर ये पैरेललोग्राम है देन AD is equal to BE एंड AD is parallel to BE. कर सकते हैं. अब इस पैरेलल सेकंड वाले पैरेललोग्राम की बात करो. अगर ये पैरेललोग्राम है तो हम लिख सकते हैं CF इज पैरेलल इक्वल टू BE एंड CF इज मतलब जो जो गिवन था. सिमरन आप क्या कर रहे हो बेटा? पेजेस क्या पलटा रहे हो क्या? आप इधर देखो, ये बड़ा वाला पैरेललोग्राम प्रूव किया था वो कैसे? ये इक्वल था, ये गिवन था. फिर ये पैरेललोग्राम की प्रूव किया कैसे? ये इक्वल था, ये गिवन था. उनमें से पहले वाले पैरेललोग्राम में से हमने कंडीशन उठाई जो साइड्स गिवन नहीं थी, मतलब ये हमने लिख दिया ये भी इक्वल है और ये भी पैरेलल है क्योंकि एक पैरेललोग्राम है. सिमिलरली इसमें भी वो वाली डॉटेड लाइन वाली साइड्स, ये इक्वल है और ये पैरेलल है क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम है. अब देखो AD इज इक्वल टू BE, CF इज इक्वल टू BE. कैन वी से AD इज इक्वल टू CF? यही प्रूव करना है. सिमिलरली AD इज पैरेलल टू CF. अगर ये AD और CF इक्वल भी है, पैरेलल भी है, तो ये AD CF भी क्या बन गया? एक पैरेललोग्राम. ये हमारा फोर्थ पार्ट है. फिर हमने प्रूव करना है AC इज इक्वल टू DF. अगर ये पैरेललोग्राम है तो ये ऑब्वियसली इक्वल, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल. इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है. लास्ट क्या है? ABC एंड DEF. तो फिर तो बहुत इजी है, ये और ये ट्राइंगल, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल. By SSS the triangles are congruent. Written part ज़्यादा है, otherwise the question is very easy. ठीक है, start writing. ये देखो बेटा given, सारा book वाला लिख लोगे, सारा book वाला लिखना है, DEF respectively तक. So please leave the space. We are not to talk here about any angles, nothing. Given and to prove के लिए please leave the space. We will directly start with the proof. Now, write down AB is equal to DE and AB is parallel to DE if now we know if one pair of opposite sides of a quadrilateral is parallel and equal, then it forms a
parallelogram. This implies A B E D. अब देखो जब आपने पैरेललोग्राम का नेम लिखना इट शुड बी इन साइक्लिक ऑर्डर ए बी ई डी ना कि डी ई. ए बी ई डी, ए बी ई डी इज अ पैरेललोग्राम. दिस इज द फर्स्ट पार्ट. ठीक है, सेकंड पार्ट के लिए नाउ बी सी इज इक्वल टू ई एफ. अभी नहीं, बाद में लिख सकते हो. ए बी लिख लो, फिर फॉर्म वन वन कर लेंगे. दिस इंप्लाइज ए सी इज इक्वल टू, सॉरी, दिस इंप्लाइज ए डी इज इक्वल टू बी ई एंड ए डी इज पैरेलल टू बी ई. हमने जब फर्स्ट पार्ट प्रूव किया वहीं से हमने जो उसकी बाकी वाली दोनों साइड्स है उसकी बात कर ली. आर यू गेटिंग? जब हमने ये प्रूव किया ये पैरेललोग्राम है, ये चीज गिवन थी कि पैरेलल और इक्वल है, हमने ये चीज लिख दी कि ये पैरेलल और इक्वल है. नंबर वन. अब सेकंड पार्ट. नाउ बी सी इज इक्वल टू ई एफ एंड BC is parallel to EF, therefore BC FE is a parallelogram. Reason same as above. Reason same as above. दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, बस same as above. आप भी same as above लिख सकते हो. ठीक है, this implies. Now look here on the board, बच्चे. ये वाली साइड इक्वल और पैरेलल गिवन थी. yes, हम ये वाली साइड इक्वल और पैरेलल लिख देंगे आफ्टर प्रूविंग इट इज अ पैरेललोग्राम. सी एफ इज इक्वल टू बी ई. एंड सी एफ इज पैरेलल टू बी ई. गिव इट एज नंबर टू. ध्यान से लिखना अल्फाबेट्स. बनाकर देख लो बेटा, बनाकर देखो. आप कोई भी पैरेललोग्राम बनाओ, आ तू दो साइड्स इक्वल बना ले, 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर. ठीक है, तो जब तू 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर के आमने आमने सामने वाली लाइन पैरेलल, ऐसे नहीं कि एक ऐसे एक ऐसे, पैरेलल हो, सिंपल सीधी बना ले. ये 5 सेंटीमीटर बना, ये भी 5 सेंटीमीटर बना, पैरेलल है. आप जब उसको ज्वाइन करने स्केल से ज्वाइन करोगे आप देखोगे कि ये हमेशा इक्वल आएंगी और पैरेलल भी आएंगी. कैसे मर्जी बना ले, ये बना ले 5, ये बना ले 5, ये पैरेलल है, इक्वल भी है, ये भी 5, ये भी 5. तो जब तू इसको ज्वाइन करेगा ना तो हमेशा तू देखेगा कि ये दोनों साइड्स पैरेलल भी होंगी और इक्वल भी होंगी. देयर बाय इट बिकम्स अ पैरेलल. सो एवरीवन हैज नोटेड दिस पार्ट. सब कर दूं? ठीक है, मैं ये ऊपर वाला करूंगा बच्चे. सो नाउ थर्ड पार्ट वी हैव टू प्रूव दैट AD इज पैरेलल टू CF एंड AD इज इक्वल टू CF. थर्ड पार्ट के लिए हम लिखेंगे From 1 and 2, it is in the continuation of the question. ये नहीं है कि अगर आप third part लिख रहे हो तो उसके लिए दोबारा से वो चीजें लिखोगे. Third part आपको मैंने लिख दिया, नहीं भी लिखते आप continuation में question करते हो, it's okay. दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने लिख दिया from 1 and 2. From 1 and 2 देखो, AD is equal to BE, BE is equal to CF. We can directly write AD is equal to CF. BE के, ठीक है? And AD is parallel to BE, CF is also parallel to BE, therefore AD is also parallel to CF. ये बात समझ में आ गई आपको? समझ सुन नहीं रहे, सुनने की कोशिश ही नहीं कर रहे, क्या बात है? ये लाइन इसके पैरेलल इक्वल है और ये लाइन इसके इक्वल है, तो ये आपस में इक्वल होंगी. ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ये आपस में पैरेलल. ठीक है, ये बात है. AD
is parallel to CF. This implies वो ये रीजन आ गया कि ADCF, ADFC is a parallelogram. This implies ADFC is a parallelogram. Okay? ACFD भी ठीक है. ACFD लिख दो, ADFC लिख दो, एक ही बात है. साइक्लिक ऑर्डर में होना चाहिए. ठीक है, ACFD देख, AC A के बाद CFD, फिर ACFD, कैसे मर्जी लिख सकते हो. AD is equal to BE, BE is equal to CF, तो AD is equal to CF. मेरे पास जितनी मनी है वो इसके इसकी मनी के बराबर है, इसके पास जितनी मनी है वो तुम्हारी मनी के बराबर है, तो हम दोनों की मनी बराबर हुई. ऐसे this line is equal to this line and this line is equal to this line, so therefore these two lines are equal. This line is parallel to this line, this line is parallel to this line, so therefore these are also parallel. Fine, and if one thereby it becomes a parallelogram. If it is a parallelogram, then what is the fourth part, fifth part? AC is equal to DF. जब ये parallelogram है तो AC is equal to DF. फिर आगे लिखेंगे therefore AC is equal to DF. हाँ जी, लिखने की जरूरत नहीं है, पूछा नहीं है. ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल. नाउ वी विल प्रूव द कॉन्ग्रुएंसी. इन ट्राइंगल ABC and triangle DEF, AB is equal to DE given, BC is equal to EF, and AC ये given है, DE is equal to BC, एक मिनट रुको, AB is equal to DE. BC is equal to EF. Why BC is equal to EF? This is also given. Given है ये. Third, AC is equal to DF. Proved above. AC is equal to DF. Proved above. Therefore, triangle ABC is congruent to triangle DEF by side rule. नहीं बच्चे, आप साइड पे हो, जाके वहां बैठ जाओ. गाइस को साइड पे कर दूंगी तो ऑनलाइन वाले बच्चों को कैसे दिखेगा. हरी अब बी क्विक एवरीवन. आई एम गोइंग टू रब द फिगर एज इट इज सेम इन द बुक. No angles we have marked. Hurry up, be quick, don't talk. I have to finish the next question also. Question number 12. AB is equal to BC. ये parallel है.
sides are equal, then what type of trapezium? Yes, then that is an isosceles trapezium. Okay, we need to show that angle A is equal to angle B, angle C is equal to angle D, and then the triangle is congruent, diagonals equal. So write down given, quickly write down given for this question. ABCD is a trapezium. ABCD is a trapezium in which AB is parallel to DC and AD, ध्यान से लिखना, AD is equal to BC. To prove में बेटा सारे parts book वाले, ठीक है? अब इसको प्रूव करने के लिए हमें क्या करनी पड़ेगी, कंस्ट्रक्शन. समटाइम्स इन ऑर्डर टू प्रूव आवर क्वेश्चन वी हैव टू कंस्ट्रक्ट सम लाइंस इन आवर क्वेश्चन. ठीक है, कंस्ट्रक्शन करेंगे, वी विल राइट. इन्होंने आपको बुक में हिंट दिया हुआ, अदरवाइज क्वेश्चन पेपर में नहीं आएगा. एक्सटेंड ए बी टू ई ए बी एंड ड्रॉ अ लाइन थ्रू सी पैरेलल टू डी ए. आप लिखो कंस्ट्रक्शन में, ड्रॉ अ लाइन सीई पैरेलल टू डी ए मीटिंग ए बी प्रोड्यूस्ड एट ई. E point. जल्दी जल्दी लिखो. प्रूफ देखिए बेटा, प्लीज लुक ऑन द बोर्ड. रिधिका प्रांशी बना ली फिगर, दो मिनट रुक के बना लेना, अभी पहले समझो. इसको देंगे वन, इसको टू, इसको थ्री, ये फोर, ये फाइव और ये सिक्स. नाउ वी नीड टू प्रूव देयर फर्स्ट ऑफ ऑल एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी. एंगल ए इज इक्वल टू, ये तो हमने कंस्ट्रक्शन की, इसलिए जो बी है वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया. अदरवाइज हमने क्या प्रूव करना है, एंगल ए इज इक्वल टू बी, दैट इज एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू. ठीक है, टू प्रूव में हमने प्रूव करना है एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू. आप ए इज इक्वल टू बी लिखोगे, फिर बी वन टू भी लिख सकते हो. ठीक है, एंड सी इज इक्वल टू डी, फाइव इज इक्वल टू सिक्स, वो सेकेंड पार्ट है. फर्स्ट पार्ट मेन है हमारा, हमने वन इज इक्वल टू टू प्रूव करना है. अब देखो कंस्ट्रक्शन लिखी, ये लाइन इसके पैरेलल है बाय कंस्ट्रक्शन. ये लाइन पूरी प्रोड्यूस हो गई. अगर ए बी डी सी के पैरेलल है तो जो उसकी प्रोड्यूस लाइन है वो भी इसके क्या है, इसका मतलब ए ई सी डी क्या बनेगा, पैरेलल. क्या बनेगा, पैरेलल. अगर ये पैरेललोग्राम बनेगा तो हम लिख सकते हैं दैट वन प्लस फोर इज 180. एक मिनट प्लीज युग, पहले देखो 1 + 2 = 180. ठीक है, 1 + 4 लेने की जरूरत नहीं है. 1 + 2 = 180 को इंटीरियर एंगल्स, ये पैरेलल है. अब देखो 2 + 3, तो 1 + 2 = 2 + 3 हम लिख सकते हैं. हमने प्रूव करना है 1 किसके बराबर है, इससे नहीं आएगा. 3 + 4 = 3. पहले लिखना स्टार्ट करो फिर मैं समझाती हूँ. लिखो ए बी इज पैरेलल टू डी सी, दिस इंप्लाइज ए ई इज पैरेलल टू डी सी, दिस इंप्लाइज एंड ऑल्सो
CE is parallel to DA by construction. Therefore, AE CD is a parallel. ये लिखना पड़ेगा पहले कि हमने जो बढ़िया वाला पूरा कंप्लीट फिगर है वो क्या बनाई, एक पैरेललोग्राम। अब समझो, 1+2 180 लिख सकते हैं हम को इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि ये पूरा पैरेललोग्राम है इसलिए 1+4 भी लिख सकते हैं 180 डिग्री, दोनों 180 डिग्री के इक्वल हैं, तो दोनों आपस में क्या आ गए, इक्वल। 1 1 के साथ कट गया, अभी हमारे पास क्या आया, 2 4 के बराबर है। हमने क्या प्रूव करना है, 1 = 2। लीनियर पेयर लेना पड़ेगा, लीनियर पेयर 2+3 180, 1+4 180, 2+3 180, 1 = 2। एक मिनट रुक जा, तुझे पहले समझा दूं मैं सारा। 1+4 180, 2+3 180, क्या 1+2 180, 2+3 180, 2 2 कैंसल, जस्ट 1 मिनट, मुझे पता है, रुक जा, एंगल में गड़बड़ हो रही है, वो करूंगी इक्वल, वो तो करूंगी इक्वल करूंगी। पहले 1+2 180 करेंगे हम, फिर 3 को 4 के इक्वल करके 1+4 1+2 1, ऐसे तो किया 1+2। अच्छा ठीक है, ओके, इसको इन दोनों को नहीं लेना, जो एंगल्स को इक्वल प्रूफ करना है उन दोनों को लीनियर पेयर नहीं लेना। इधर देखो, 2+3 180 लीनियर पेयर, 3 and 1+4 180 को इंटीरियर। अब 1+4 = 2+3 हमने प्रूफ करना है, 1 2 के इक्वल है हमने। अब यहां से आगे की ये साइड इसके इक्वल, ये वाली साइड इसके भी इक्वल, तो ये आपस में इक्वल होंगी। कल समझाऊंगी, इसमें टाइम लगेगा, कल तो छुट्टी है। ओहो, इट मींस, हाँ ले लो बेटा, इट मींस आई हैव टू राइट रेजा, व्हाट इज दिस, तो बच्चे नोट, हाँ अब मंडे को ही कंटिन्यू करेंगे बेटा, और क्या, इंजॉय दिवाली, हैव अ सेफ दिवाली एवरीवन, सही सलामत जाओ और सही सलामत वापस आओ। थैंक यू, सेम टू यू एवरीवन, ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैव अ सेफ एंड हैप्पी दिवाली बेटा, टेक केयर।